तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है मंगलवार का और आज की डेट है 5/10/2021। तो भाई साहब, आज गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ, आप धूप देख के या मौसम देख के ये मत कहिए कि गुड मॉर्निंग नहीं है। अभी 10:45 का टाइम हो रहा है और थोड़ा सा नहीं, आज बहुत लेट ब्लॉग शुरू हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मेरा, आपको पता ही है जो पहले से ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा कि शनिवार और मंगलवार को मैं, मेरे एक पड़ोसी हैं, बैग की दुकान लगाते हैं पवन भाई, उनको छोड़ने के लिए जाता हूँ। तो वैसे ही आज भी गया था और भाई, उन्हें जब छोड़ के वापस आ रहा था तो हाईवे पर इतना लंबा जाम लगा हुआ था, कम से कम 2.5 किलोमीटर, तो 1-1.5 घंटा तो जाम में ख़राब हो गया मेरा। उसके बाद लगातार एक के बाद एक काम मिलता रहा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, चलता रहा हूँ। अब मुझे फ्री टाइम मिला है तो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा फ्री टाइम मिलते ही मेरे को आ गया घर से कॉल, घर पे हो गया भाई सिलेंडर ख़त्म। तो पहले अब घर जा रहा हूँ निकल के, पहले सिलेंडर भरवा के घर पे देके आता हूँ, क्योंकि हॉकर देने नहीं आ रहा, उसकी तबीयत ख़राब है, तो अपने आप ही जाना पड़ेगा, एजेंसी पर लेके आना पड़ेगा। तो चलिए घर चलते हैं पहले। भाई साहब, मैं खड़ा हुआ था, आया हुआ था यहाँ गैस एजेंसी पर पर्ची कटवाने के लिए। हमारे यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, अगर हॉकर जो है आपका सिलेंडर नहीं पहुँच पा रहा है तो आप यहाँ से एजेंसी आइए, पर्ची कटवाइए और सीधा जहाँ से सिलेंडर बटते हैं वहाँ पर ले जाओ, तो सिलेंडर मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये लोग बता रहे हैं कि हॉकर सिलेंडर की पर्ची आपके की ले गया है, वो पहुंचा देगा। और तो 2 दिन से यार सिलेंडर नहीं पहुंचा तो घर में बहुत प्रॉब्लम, ऐसी परेशानी चल रही है। और यहाँ पे आगे भी काम ख़राब हो गया, घर वालों को बता रहा हूँ कि सिलेंडर की पर्ची निकल चुकी है, शायद शाम तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। यार यहाँ पर आने का तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, पर्ची हॉकर पहले ही लेके जा चुका है। अब हॉकर की पता पड़नी पड़ेगी कि जो हॉकर रेगुलर आता था उसकी तबीयत ख़राब है, वो आ नहीं रहा है, तो किसी और हॉकर को लेके गए, कोई हॉकर ले गया दूसरा वाला हमारे सिलेंडर की जो पर्ची है। अब देखते हैं पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। तो भाई साहब, दोपहर के बज चुके हैं 12, हमारा हो गया घर जाने का टाइम। और हाँ यार, आज पहली बार अपना ये सेटअप से ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइक भी है, तो आज आपको आवाज़ कैसी आ रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। उम्मीद है थोड़ा सा साफ आवाज़ क्वालिटी जो है, वॉइस क्वालिटी अच्छी हुई होगी, नहीं हुई तो फिर मेरे पैसे बेकार गए। अगर हो गई है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो पैसे वसूले हैं मेरे, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी किया है वो किया आप ही के लिए। ये हमारा मथुरा जंक्शन है, दोपहर का टाइम है, ज़्यादातर हमारे दोस्त हमारे साथी सब जा चुके हैं जो दोपहर तक काम करने वाले, मैं भी निकल रहा हूँ। अब दोपहर का टाइम हो चुका है भाई, क्योंकि अब काम कुछ खास रहता नहीं। एक गाड़ी आई हुई है, उसकी थोड़ी सी सवारियाँ उन्हें देखेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो हमारा, हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो अपने भाई को यार। आज घर से भी कॉल आया था, सिलेंडर ख़त्म हो गया, सिलेंडर मेरा कल ही ख़त्म हो गया था, तो बुकिंग करवा दी थी, लेकिन जो हॉकर आता है घर पर सिलेंडर देने के लिए वो चल रहा है आजकल बीमार। हमारे मथुरा में समय बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है, ख़ासतौर से डेंगू और मलेरिया का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो शायद उसी को या तो डेंगू या मलेरिया हुआ है, तो वो आ नहीं रहा अपने काम पे। तो मैं गया था गैस एजेंसी पर्ची कटवाने के लिए, पर्ची कटवा कर सिलेंडर मिल जाता है, तो वहाँ जाके पता चला कि पर्ची कोई और हॉकर जो है ले गया है, तो वो पहुँचा देगा सिलेंडर। अभी देखिए घर जाके पता चलेगा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, अगर पहुँच गया तो ठीक है, नहीं पहुँचा तो मेरी क्लास लगने वाली है भाई, पता नहीं खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा आज। तो चलिए पहले घर चलते हैं, खाना पीना खाएँगे, फिर आपसे दोपहर बाद मिलेंगे, और बताइएगा जरूर प्लीज़ यार आपको आवाज़ कैसी आ रही है आज, कुछ अच्छा लगा है कि नहीं लगा। तो चलिए भाई, ये घर चल रहे हैं, हमारे मुकेश भाई हैं, हेलो करो मुकेश भाई, ये मुकेश भाई हैं हमारे, और यहाँ हमारे स्टेशन पर 2 ऑटो वाले और 2 ई-रिक्शे वाले जिनका नाम मुकेश है, तो मुकेश कई हैं यहाँ पे, और जो दोपहर तक चलने वाले सोनू वगैरह वो सब जा चुके हैं, केवल मैं बचा हूँ दोपहर वालों से, ये लोग सारा दिन चलते हैं, शाम को जल्दी चले जाते हैं। पहले तो घर जाके पता करता हूँ यार सिलेंडर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, वरना आज घर पे खाने की भी लाले पड़ने वाले हैं। गीता वैसे ही गुस्सा है, मम्मी सुबह से लड़ रही थी मेरे से, सिलेंडर क्यों नहीं भरवाया टाइम से, और मेरी गलती इसमें है नहीं भाई, सिलेंडर का डिपार्टमेंट मेरा होता नहीं है, सिलेंडर का डिपार्टमेंट होता है गीता का, और गीता का हमारा ऐसा हर बार का काम है, जब पूरी तरह से सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तभी बताती है वो, तो वैसा इस बार भी उसने वैसा ही किया है। तो भाई साहब, शाम की बजे 4:30, हम चलते हैं एक बार फिर से अपने काम पर, और ये हमारी जो कब्बू टिल्लू रोजाना वाली हैं, हमारे पैसेंजर जो सुबह सुबह रहते हैं वो दोनों आ गए, दोनों नहीं आज केवल कब्बू आई है, टिल्लू अभी सो रही है या ट्यूशन गई है, शायद ट्यूशन से आई नहीं है वापस अभी, तो इसलिए खाली कब्बू है। तो चलिए निकलते हैं हम।
तो भाई साहब शाम के बज चुके हैं 5:30, 1 घंटा हो चुका मुझे आए हुए। 4:30 बजे मैं घर से निकल के आया था यहाँ पे, और अभी तक कोई सवारी नहीं है। हफ्ते की शुरुआत में ऐसा रहता है हमेशा कि सोमवार, मंगल और बुध तक थोड़ा सा काम हल्का ही रहता है। सुबह थोड़ा जितना हो जाए आप कर सकते हो उतना कर ले जाओ, शाम के टाइम में बिल्कुल ही काम ख़त्म हो जाता है। बुध के बाद से फिर दोबारा से रोटेशन आता है काम का। ये हमारा दोस्त है सलीम, कुछ बोल रहा है, सुनो भाई इनकी भी। अच्छा क्या कराया है, तेरी वार्ती है बेटा, देख ले भाभी ने देख लिया तो और जाना पड़ेगी। लो भाई मिलो, हमारे मित्र है, कुछ मिलने की कह रहे थे आप लोगों से। हेलो तो कर दिया करो। हेलो, इसका नाम मंजू है, लड़की नहीं है, आदमी है, नाम मंजू। हाँ जी हाँ जी। पीछे वाला नाम क्या है भाई तेरा? दीपक। दीपक भाई साहब का हिसाब किताब चल रहा है। ये हमारे कमल भाई है, ये तो आप जानते हो, पहले भी कई ब्लॉगों में आ चुका है, पंकज है ना, इसका नाम पंकज है भाई। भैया को सपोर्ट करो, भैया को सपोर्ट करो, भारत माता की चैनल को सब्सक्राइब करो। बोल रहे भाई अब तो सुन लो, चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब। राजस्थानी है। आज गीता थोड़ी सी नाराज रही है सुबह से ही, क्योंकि सिलेंडर की सुबह ही कह दी थी, और भाई मैं एजेंसी पे गया भी था, क्या करूँ यार, पर्ची जो हमारे सिलेंडर की पर्ची थी वो हॉकर ले गया, और हॉकर है कोई अनजान, उसको एड्रेस मालूम नहीं है। उस बंदे को फ़ोन नंबर भी दिया एजेंसी वालों ने, लेकिन वो उसने फ़ोन भी नहीं किया यार। सबसे बड़ी बात ये, फ़ोन कर लेता तो मैं बता देता कहाँ आना उसको, और उसके पास फ़ोन नंबर था नहीं, या वो उसने फ़ोन किया नहीं, या किसी काम में लगा हुआ है, हमारा सिलेंडर देने लिए आया। तो साहब गीता सुबह दोपहर में मुझसे बोल रही थी कि शाम को अगर सिलेंडर नहीं तो खाना भी नहीं, अब तो खाने के लाले पड़ गए। कल कैसे भी हो सुबह सबसे पहला काम यही करना है कि सिलेंडर ला के देना है घर पे यार। पर्ची मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, एजेंसी पहुंच जाऊंगा भाई, कैसे भी करो मुझे सिलेंडर दो, क्योंकि सिलेंडर के बिना यार कैसे खाना बनेगा घर पे। वैसे मम्मी के, मेरे घर में भैंसा रहती है, मम्मी के पास कंडे वगैरह पे रहते हैं जो गोबर के उपले होते हैं, लेकिन उससे अभी मम्मी ने सारे बेच दिए, थोड़े बहुत ही हैं उसके लिए, भैंसों का दलिया वगैरह सब कुछ बनता है उन्हीं से, तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा है चल रहा है इसमें, सिलेंडर की ज़्यादा ज़रूरत। और फिर दूसरी बात यह है यार, चूल्हे पर सारे काम नहीं हो पाते, सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह उसे खाना बनाने के लिए सिलेंडर चाहिए होता है, सबसे पहला काम यही होगा सिलेंडर लाने का। और दूसरा यार, आज श्राद्धों का लास्ट दिन है, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि कल से शायद काम उठ जाएगा अब ऊपर की ओर, क्योंकि 16 दिन कैसे कटे हैं सब लोग जानते हैं, सब परेशान रहे 16 दिन से यार, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं था, किसी दिन थोड़ा बहुत हो जाता था, किसी दिन मामला डाउन रह जाता था। तो अब उम्मीद है कि कल अमावस्या हो जाएगी श्राद्धों की, तो कल से थोड़ा सा काम ऊपर आना शुरू हो जाएगा। वैसे आमतौर पर होता यही है कि श्राद्धों के बाद जब नौ दुर्गा आते हैं तो नौ दुर्गाओं में थोड़ा सा मामला डाउन ही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्रत रहते हैं, और व्रत वाला कोई बाहर ज़्यादा निकलता नहीं है घूमने फिरने के लिए। तो अभी 9 दिन हो रहे हैं, दशहरे से एकदम से काम ऊपर की ओर जाता है, फिर दिवाली तक आराम से काम बढ़िया चलता रहता है, तो तब तक का इंतजार कर रहे हैं, दशहरे से काम आना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पीछे एक और बंदा आ गया, ये इसका नाम है लाखन। राधे राधे भाई, राधे राधे। और ये आ गया लाखन, तो ऐसा होता ही है भाई, दोस्त हैं ये, आते रहते हैं पास में मिलने के लिए। और भाई भाई चाय पी लो, ये देखो चाय चल रही है लाखन बाबू की, पी लो भाई, पी पी भाई पी, चाय हम चीनी ज़्यादा डाल देता है। हमारे स्टेशन पे एक चाय वाला है, चाय तो ज़बरदस्त बनाता है सईदा, लेकिन यार चीनी बहुत ज़्यादा डाल देता है वो, पता नहीं उसे कहाँ से फ्री की मिल रही है, क्या चक्कर है, लोग वह कहने से भी चीनी नहीं डालते, वो बिना कहे इतनी ज़्यादा डाल देता है कि आपसे पी भी नहीं जाती। तो मैं सईदा की चाय बहुत कम पीता हूँ, घर पे तो मैं बिल्कुल फीकी चाय पीता हूँ, चीनी डलती नहीं है मेरी चाय में, घर वालों को बोल रखा है कोई मीठा नहीं। तो भाई साहब शाम के बज चुके हैं 7:30, और शाम आज है 5 तारीख, तो 5 तारीख को हमें होता है एक काम, पिछली 5 तारीख वाला अगर लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं देखा है तो वापस जाके देख लो यार। 5 तारीख को हम लोगों यहाँ पे कॉलोनी के 2-4-6 लगभग 25 बंदे हैं जिन्होंने एक पत्ती डाल रखी है आपस में ही, हर महीने खुलती है, हर महीने किसी एक बंदे को पैसे मिल जाते हैं। तो आज 5 तारीख है, आज पत्ती खुलने वाली है, शाम को 8:30 बजे खुलती है, थोड़ी देर में मैं वहीं के लिए निकलूँगा। फ़ोन आ चुका है, धीरे धीरे मेंबर स्टार्ट आना शुरू हो चुके हैं वहाँ पे, तो कई बंदे फ़ोन कर रहे हैं मेरे को लगातार आने के लिए कि आ जाओ वहाँ पे टाइम पास करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा और काम मिल जाए तो ठीक है, आज यार काम कुछ हुआ नहीं है, तो आज हमें वहीं जाना है। आपको दिखाऊंगा पत्ती आज किसकी खुलती है, पिछली बार भी दिखाया था, मेरा नंबर नहीं आ रहा यार, मुझे दिवाली से पहले घर में कुछ काम करवाना है, मेरा दिवाली से पहले कुछ घर में काम पेंडिंग चल रहा है, अगर मेरी खुल जाती है तो काम बन जाएगा अपना।
तो आज इच्छा ये रहेगी नवदुर्गा शुरू होने से पहले मैया सुन ले मेरा काम हो जाए यार इस बार। वैसे पत्ती गई है खुल, सारे मेंबर रूट रूट के चले गए, मैं भी जा रहा हूँ यार, मैं रूठा नहीं हूँ, क्या करूँ, नहीं खुली तो नहीं खुली, 6 नंबर खुला है मेरा, 25 नंबर है, तो अभी किस्मत साथ में नहीं दे रही है, घर का काम अभी पेंडिंग ही रहेगा भाई। दिवाली के चक्कर में थोड़ा सा मेरे मन में थी कि दिवाली से पहले घर का काम फाइनल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, देखते हैं अब कहीं और से व्यवस्था बनाएंगे, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, जिससे लेंगे जब खुल जाएगी तो उसके पैसे वापस कर देंगे। ये है कि अब खुल जाती आज तो अपने पैसों से काम होता, अब दूसरे के पैसे लेके जब काम चलाना पड़ेगा, काम तो करवाना भाई, घर में काम स्थिति थोड़ी सी घर की ख़राब हो ही पड़ी है, और गीता रोजाना लड़ती है मुझे घर बार बार दिखा दिखा के बोलते देखो फर्श कैसा हो गया ये कैसा हो गया, तो घर का तो काम करवाना है भाई मुझे। ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगले महीने देखेंगे, चलते हैं अब घर, सारे मेंबर हमारे जा चुके हैं, दुकान पर कोई नहीं है, खाली प्रवीण भैया बचे हैं, मैं हूँ और एक भाई और है बेचारे, वो भी अपने कुछ अरमान लेके आए थे और इनकी तो पहले भी खुल चुकी थी, दोबारा के लिए आए, दो पत्तियाँ डाली हुई है मेरी सिंगल ही है एक ही। चलिए हम निकलते हैं घर यार, मूड ख़राब हो गया। तो भाई साहब हम आ चुके हैं घर पर, पत्ती हमारी खुली नहीं, क्या करें यार, ये हमारे घर का माहौल, इस कमरे में मम्मी चंचल सो रही है, ये मंकू, तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। ये आ गया था हमारा कमरा, तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग वैसे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा हो गया है, जितना टाइम चाहिए होता उतना पूरा हो चुका है, तो चलिए आज के इसके ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।